सर क्या कहना चाहोगे मूवी के बारे में, कैसी लगी आपको मूवी? मैं मूवी के बारे में ये कहना चाहूंगा, ये मूवी बहुत अच्छी मूवी है। चुप। और मुझे नहीं, सभी को अच्छी लगी है। आपने सभी का रिव्यू लिया, किसी ने गलत नहीं बताई होगी फिल्म के अंदर। और जितने भी आर्टिस्ट हैं सब ने अच्छा काम किया। सन्नी देओल का जवाब नहीं, मैं इतने समय के बाद फिल्म सन्नी साहब को देखने के लिए आया हूँ। सन्नी साहब की एक्टिंग, सन्नी साहब का चेहरा, उनकी आंखों में जो तिल है ना, आस्किल तिल है, जवाब नहीं उस तिल का, कातिल तिल है वो। क्रिटिक बहुत बहुत खूबसूरत, सनी देओल की एक्टिंग कैसी लगी? सबकी बहुत अच्छा कंसेप्ट भी था और नया भी था और एक्टिंग भी सबके अच्छे थे और मूवी बहुत पहली बार काफी हाँ बहुत 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 खूबसूरत था। यकीन बहुत स्टोरी तो बहुत लाजवाब और मतलब सबसे नया कंसेप्ट अभी जो बोल रहे हैं ना कि बॉयकॉट वगैरह ये सब चीज़ें, तो इसके लिए नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 5/5 में दूंगा। अच्छी लगी मूवी आपको? अच्छी काफ़ी। स्टोरी लाइनअप के बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया है। और मूवी में सलमान, सनी सबकी एक्टिंग कैसी लगी? पूजा भट्ट की ओवरऑल इज गुड मूवी। 5/5 कितने स्टार्स दोगे? किसी भी मूवी का सबसे बेस होता है उसका स्टोरी, उसका कॉन्सेप्ट, और इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग स्टोरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है और उस स्क्रिप्ट को डायरेक्शन भी बहुत अच्छा किया गया है एंड नो डाउट एक्टिंग ऑसम थी। मुझे चुप फिल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैं भी एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इसके हिसाब से फिल्म को मैं क्रिटिक्स कर रहा था अंदर बैठे बैठे कहानी को। आर बल्कि साहब का स्क्रिप्ट हमेशा हेड्स ऑफ होता है, थोड़ा डार्क था बट थोड़ा सा एज अ फिल्म मेकर्स मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। और पूजा भट्ट जी की एंट्री वापस से देखने को मिला एक नया अवतार में, तो मैं कहूँगा कि हैट्स अप टू यू। एंड दिलकर सलमान तो है ही हैट्स अप, एंड सनी पाजी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा काम किया आपने। इट्स अ इंटरेस्टिंग फिल्म, आई विल से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट पीपल आर नॉट सीइंग एज अ फिल्म, लाइक पीपल आर ट्राइंग टू इग्नोर फिल्म्स नाउअडेज एंड they are talking a lot of about criticism and all which really बहुत अच्छी मूवी थी। ये थ्रिलर मूवी थी और इसमें जो हीरो हीरोइन थे दोनों बहुत अच्छा रोल किया है। स्टोरी अच्छी थी, स्टोरी अच्छी थी। क्रिटिक्स को लेके मूवी है, किस तरह की मूवी लगी आपको, स्टोरी लाइन के बारे में क्या? इसमें क्या है, जैसे क्रिटिक्स को लेकर के जो मूवी है इसमें उन्होंने बताया है कि जो एक्चुअल मूवी रहता है उसको वैसे ही रिव्यू देने का, ये नहीं कि किसी के दबाव में आके हम 5 स्टार दे देते हैं और जो छोटे स्टार होते हैं उनको हम कोई स्टार नहीं देते हैं, मतलब 1 स्टार दे देते हैं तो उनसे उनका निगेटिव जाता है और जो छोटे कलाकार है वो दबे रह जाते हैं। चुप, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट चुप। या चुप वॉज गुड, इट वॉज अ फन वॉच, आई वॉज एंगेज थ्रू आउट। इट वॉज एक्चुअली नॉट ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था कि क्रिटिक्स बुरे हैं, इससे कोई तो साइकोपैथ जाके मर्डर कर रहा है। इट वाज गुड स्टोरी लाइन, बैकग्राउंड स्टोरी वगैरह, गुड बैक स्टोरी आल्सो टू द कैरेक्टर। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत दिनों के बाद साफ सुथरी और अच्छी पिक्चर आई। क्राइम है थोड़ा लेकिन अच्छी तरह से पिक्चर बनाई गई है, खास करके आर बाल्की जिन्होंने डायरेक्ट किया है उनको सैल्यूट है, बहुत अच्छी तरह बनाई है। मज़ा आ गया। एक पुलिस बने हैं बट वो वाला जो हमेशा कैरेक्टर होता है उनको एंग्री, हमेशा रोरिंग लाइक अ वाइल्ड गोरिल्ला, बट इस टाइम पे उन्होंने एक सूझबूझ और एकदम मतलब कहते हैं ना एक स्पाई ब्रेन उन्होंने यूज़ किया है, तो बड़ा अच्छा लगा। पूजा भट्ट का कमबैक है इस मूवी को में, आपको कैसा लगा? पूजा जी ने भी बड़ा एक अच्छा बड़ा अच्छा किरदार निभाया है, बड़ा अच्छा लगा, उनका भी कैरेक्टर बहुत ही खूबसूरत है। The show is houseful, so it's really grateful. And movie के story के बारे में बोले, काफी amazing story, काफी different है, आपको कैसी लगी जब as an audience हम देखते हैं? As an audience, I feel you know it's a capture of a love story, it's thriller, it's suspense, it's humor. Yeah. So you know you're getting everything, like एक खाने में मसाला भी होना चाहिए, नमक भी होना चाहिए, तीखा भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, आई थिंक एवरीथिंग इज देयर इन दिस फिल्म। पूजा भट्ट काफी समय के बाद बड़े पर्दे पे आई, उनकी वापसी किस तरह से आप देख रहे हैं? It's nice. Even Sunny Deol is back after a long time. So both are like बहुत तगड़े and like तगड़े actors हैं and they are back with the power pack, I can say. Movie is really really commendable, really remarkable. और आर बाल्की हर बार अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, तो एक बहुत ही बेमिसाल डायरेक्टर है। मैं उनका तब से फैन हूँ जब उनकी इंग्लिश में इंग्लिश आई, पाव मूवी, पैडमैन मूवी, मिशन मंगल, तो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी और राइटर भी हैं, और इस बार भी अपनी एक छाप छोड़ गए। कंटेंट वाइज क्रिटिक्स को लेके बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, हर क्रिटिक, हर मूवी गोअर, सिनेमा लवर जो मूवीज़ देखते हैं, मैंने 1200 फिल्में देखी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने हर तरह की फिल्म फेस्टिवल्स US, कनाडा, यूरोप में अटेंड किए हैं,
तो मैं बोल सकता हूँ कि ये मूवी आई कुड रिलेट टू इट, कि हम किसी भी मूवी को स्लैम कर देते हैं, इतना एफर्ट लगा है, इतने सालों की मेहनत लगी है, तो यू शुड गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. तो हर सिनेमा गोअर, हर क्रिटिक को ये सोचना चाहिए कि उसके पीछे जो एफर्ट है इतना, वो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए. इट इज़ अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मूवी, वेरी न्यू कॉन्सेप्ट.